हेलो डियर स्टूडेंट जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी गुरु पचकोडिया जो जयपुर से सभी का स्वागत करता हूं एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की दुनिया में जी स्टूडेंट्स वी आर इन द एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स और एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बोले तो सबसे जबरदस्त वाली गेहूं पढ़ रहे हम और गेहूं में भी हम लोगों ने ना काफी कुछ कर लिया इरिगेशन हो गया है ना ये करके आज हमने मैंने आपसे प्रोमिस किया था कल हम लोग ना वीड कंट्रोल पढ़ेंगे या इंटर कल्चर शुरू करेंगे तो सभी का वेलकम है सभी का स्वागत है सभी को नमस्कार सभी को सत को सब्बा घेर सभी को गुरु दी फतेह सभी को जयराज वेलकम डेट्स पर्दा उठाया जाए हम पढ़ेंगे आज वीड कंट्रोल इन दीच क्रॉप ट्रोल इन दीड क्रोक सभी का स्वागत है बेटा सभी को खूब सारा आशीर्वाद अच्छा करते रहे आगे बढ़ते रहे तूफान मचाते रहे लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट बोले तो वीट कंट्रोल इंटर कल्चर एक तो गेहूं में ना स्टेल सीड बेड कॉमन है बेटा स्टेल सीड बेड ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्टेल सीड बेड के अंदर स्टेल सीड बेड क्या था कि भैया पलेवा करते हैं हम क्या करते हैं पलाव पलेवा करते हैं पलेवा करने के बाद में उसको ना जब खरपतवार उग जाते तो उनको जुताई करके नष्ट कर देते हैं या फिर कर देते हैं। से, केमिकल से। तो पहले तो इसमें गेहूं भैया गेहूं कितना परसेंट नुकसान करते हैं दस से चालीस दस से चालीस दस से चालीस अब आगे स्टेल सीड बेड स्टेल बीज सैया अगर आपने ना प्री इिगेशन करके खरपतवारों को पहले उगा लिया पड़ाव कर भाई मारवाड़ी बीच बोला है पड़ाव कर तो पहले तो प्री इरीगेशन करके आपने खरपतवारों को उगा लिया उगाने के बाद उनको जुताई करके नष्ट कर दिया तो हो गया वो सैया ऑलरेडी बता दिया मैंने वीड कंट्रोल वाले पोर्शन में खूब बढ़िया तरीके से समझाया था बेटा कि पहले प्री इरीगेशन कर देते हैं पड़ाव कर दे भाई सभी कैसे तो करते है बेटा उसके बाद में क्या करते हैं क्या करते हैं उसके बाद उसके बाद में क्या करते भाई उसके बाद में ना उसको खरपतवार को उग जाते उसके बाद जुताई करके उनको खत्म कर देते हैं उनको खत्म कर देते पलेवा कर देते उसके बाद नष्ट हो जाते नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं में लगते कौन कौन से खरपतवार है चटरी मटरी चटरी मटरी लगती है भाई मीठी मटर या जिसको कहते हैं लेथाइरस स्पेसिस दो हजार इक्कीस भैया मीठी मटर या आपकी या चटरी मटरी हो गया बोल भाई ग्रुप अरे व्हाट्सएप में नहीं डाला होगा बेटा हो गया डाल रहे बेटा डाल रहे। तो चटरी मटरी लेथर स्पेसीज फेबेसी फेमिली में आता है मटर है भाई तो इसी में तो बी ओ A देन जीरो पॉइंट टू परसेंट इसी में था ना इसमें नहीं था तो लेथारस स्पेसिज बोले तो फेबेसी फैमिली। वैसे लेता है रस ओडोरेटस आई भी थी हो गया देन नंबर टू नंबर टू ये आ गया दूसरा गजरी फ्यूमेरिया पावी फ्लोरा पेपेवरिस फैमिली में आता फीम वाली फैमिली में ये फ्यूमेरिया पावी फ्लोरा गजरी फ्यूमेरिया पावी फ्लोरा और ये आपके सामने फिबेरिया पावी मौजूद है ये एक खतरनाक वाला वीड है इसका सा हल्का सा नेटवर्क इश्यू आ गया था चार पांच सेकंड का कोई बात नहीं वापस से हो हो गया हो गया तो यहां पर दो वीड हम लोगों ने बिल्कुल अपने नग्न चक्स से देख लिए पहला आपने जैसा देखा चाटरी मार्ट्री चाटरी लेथायरस को फेबेसी फैमिली में आती है और भैया इसमें वो बी ओ ए ए पाया जाता है सेकंड आपके आ गई गजरी मेरिया पावी फ्लोरा पे फैमिली में आती है थर्ड आ गई प्याजी ठाक प्याजी प्याजी आगे बढ़ा प्याजी तो कई बार पढ़ा दिया फैमिली में आता है प्याज परिवार में आता है प्याज जी दिखा दो जी फिर इसको गेहूं में लगा दो जी तो गेहूं में तो वैसे लग जाता भाई गेहूं में तो वैसे ही लग जाता है लग जाता है अरे भाई ब्राइटनेस कम कर मानस ब्राइटनेस कम कर हो गया चलिए का नाम तो याद मैंने पहले करा रखा है भाई खूब करवाया था उस समय दिस इज योर एस्पोडिलस टेनुफोलियस एसपोडिलस टेनुफोलियस आओ जी नेक्स्ट कृपार को पकड़ लेते हैं कर रहा है कुछ अगला आ गया काटेली एक दिन तो कटेली भाई सिरसियम अरवेन्सेस एक दिन तो कटेगी सबकी सबकी डोर कट जाएगी ना एक दिन है एस्ट्रेजी फैमिली में आता है ये लो भाई सिरसियम अरवेन्सेस अरवेन्स बोलते हैं इसको कटेली हो गया तो द्विबीजपत्री खरपतवार चल रहे हैं सारे के सारे डाइकोड वीड डाइकोड वीड अगला आ गया जिसका सबसे खतरनाक है यूके एक ही नोक्सियस ऑब्जेक्टिनेबल वीड गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीड हो गया आपका हिरण कौन वो वोलस अरवे कौन वो वोलस अरवे कौन वो बोलस अरवें ऑब्जेक्शनेबल वीड है मैंने पढ़ा दिया था ऑब्जेक्शनबल वीड क्यों कहते हैं इसको ऑब्जेक्शनेबल क्यों कहते हैं क्योंकि इसके बीज अगर गेहूं के बीजों में मिल जाए ना यू कांट सेपरेट देम तो आप उनको अलग नहीं कर सकते दिखा भी दो ले भाई मन हिरण खुरी दिखा दो इसको ऑब्जेक्शन वीड बना दो बीज गेहूं में मिला दो वापस कोनी सेपरेट करवा दो वापस नहीं होता भाई अब आ जाओ द्विबीज पत्री में बथुआ चील वो रील बथुआ हो वे चील वो नोक्सियस अलग होता है बेटा नोक्सियस तो उनको बोलते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है जो बड़े शैतान होते हैं कंट्रोल नहीं होते उनको बोलते हैं और ये था गेहूं का ऑब्जेक्श नेबल था हिरण खुरी एक बार बीज मिल गए तो अलग नहीं कर सकते आप वो नोक, वो नोक्स नोक्सिस अलग है तो क्या हो गया जिसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है वो होता है, तो अगला आ गया एल्बम जिसको आप कहते है। कौन सा बथुआ चिनोपोडियम एल्बम चीनोपोडियम फैमिली का है ओग्जिली का भंडार भाई नहीं चौड़ा ही होता चौड़ा ही होता है लोटस एल्बा कमांडरों की छुट्टी कर दी है है ना और इसके लिए भाई केशव का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पता नहीं था इसने नई टेक्निक बताई बोला सर ऐसे भी तो होता है तो मोजी कर दी बेटा थैंक यू तो ये हो गया सेंजी मेली लोटस एल्बा ये रही आपकी सेंजी या मेली लोटस एल्बा लेग्यू मिनेसी में आती है लेग्यू मिनेसी में आती है बेटा दल्ला खरपतवा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करया करे राइट क्रैशन लिया अनागेलिस आरवेंसिस अनागेलिस और यह है प्रीमुलेसी फैमिली प्रिमुलेसी फैमिली क्रसनडी अनागेलिस आरवेंसिस प्रीमुलेसी फैमिली ये भी कर तुबारा इसका दिवीस पत्र है क्या बात करो अब आ जाओ एक बीज पत्रे जंगली जई एवीना फेटुआ या फेतुआ कह दो ग्रेमिनी फैमिली में आता है एक बीज पत्री है तो लो जी हमें दिखाओ देखो जी आ आगे आपकी जंगली जई एवीना फेटुआ ग्रेमिनी फैमिली के गेहूं सा फेलरिस माइनर है गेहूं सा फेलरिस माइनर गेहूं जैसा गेहूं का मामा गुली डंडा है ना न जाने क्या क्या नाम केनरी गॉस केनरी ग्रॉस ऐसे बोलते हैं ठीक है ये आपका ग्रेमिनी फैमिली का है वही ग्रेमिनी फैमिली वही ग्रेमिनी फैमिली दूब घास है ना भाई ग्रेमिनी तो आएगी और ये हो गई आपकी ग्रेमिनी फैमिली की दूब गास। दो बड़ी राइट गेहूं का मामा वो अब आ गया गेहूं का मामा था वो फेलेरिसज सेज वीड सेजवीड उनको बोलते हैं जिनके तने तिकोणे होते हैं तिकोणे जैसे मोथा साइप्रस रोटंडस। मोक त्योर है मोक त्यो मोथा साइप्रस रोटंडस है मोक त्योर है मो मोथा क्या हो गया भाई साइप्रस रोटंडस। हो गया और ये फैमिली होगी साइप्रिसी इसमें टू फोर डी से मर जाता है ये एक बीज होते हुए भी टू फोर डी से मर जाता है अपना नाम अमर कर जाता है तो ये मेन मेजर वीड हो गए इसके अंदर लगने वाले अब लेते कब लगते सबसे मेन क्रिटिकल टाइम कब होता है तो इसका क्रिटिकल टाइम होता है तीस से चालीस दिन बाद बुआई के तीस से चालीस दिन बाद थर्टी टू फोर्टी डेज आफ्टर सोविन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हल्का ले रहे हो आप मुझे पता है इसको काफी हल्का ले रहे हो अरे मानस भाई मानस हो गया अरे बेटा ये लाइट नहीं चले चेहरा बिल्कुल ही आ रहा है हुँ? हो गया अर्जुन 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 उठाई तो जरा धनुष उठाई तो जरा धनुष अर्जुन एच डी दो हजार नो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले कृप्वार जो टू फोर्टी लेते हैं बेटा है ना तो अर्जुन मर जाती है अर्जुन मर जाती है इसलिए हमेशा टू फोर्टी अर्जुन के अलावा बाकी वेराइटीज पे डालते हैं पहले भी बताया था मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हो गया तो अर्जुन किस्म के अलावा बाकी सबके जो चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने होते हैं तो टू फोर डी डालते ना भाई टू फोर डी डालते हैं ना भाई टू फोर डी डालते कितना डालते हैं, ना भाई। डालते हैं।, डालते हैं। डालते है? आधा केजी डालते? के जी पर एक्टेयर कब डालते बुआई के बत्तीस से पैंतीस दिन बाद हो गया भाई ठीक है हो गया तो टोफर यासी आदि कैसे करते हैं अर्जुन में क्यों नहीं डालते थोड़ी पत्तियां भाई चोरी आती है चौड़ी चोड़ी, पत्ती आती है बेटा और टू फोर्टी को थोड़ी चौड़ी पत्ती मिलनी चाहिए खत्म पिस्टल चल जाती फिर तो अर्जुन किस्म के अलावा बाकी सब में चौड़ी पत्ती वालों को मारने के लिए टू फोर्टी डालो कब डालोगे भाई फसल बुआई के तीस से पैंतीस दिन बाद कितना डालोगे भाई आधा के जी पर एक्टियर जीरो पॉइंट पांच के जी पर एक्टियर गेसा का नियंत्रण आजकल गेहूंसा आईसो प्रोटीनोन से मर नहीं रहा मतलब पूरा नहीं मर रहा कुछ कुछ स्ट्रेंथ में क्या हुआ रेजिस्टेंस आ गई तो लेते लेकिन लेते लेकिन आजकल उसकी जगह या रजिस्टेंसोड पर मैंने जस्ट कल या परसों वाले बताई ना डॉक्टर मलिक डॉक्टर मलिकवाज दू रिपोर्टेड दैटरी ग्रास इज सो मच रेजिस्टेड विद बहुत ज्यादा से रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके बाद इसको कम डालने लगे आजकल डालते हैं डालते हैं कब डालते हैं फसल बुआई के कब डालते हैं ये तो हो गया ना ऊपर वाला तो सल्पो सल्फ्योन बीस ग्राम या फिर आइसो प्रोटीरोन पंद्रह के जी पर हेक्टर डाल देते अगर गेहूं और चौड़ी पत्ती दोनों मारने हो तो दोनों ही मारने हो भाई गेहूंसा भी मारना है चौड़ा पत्ती मारना है तो ये मेड सल्फ्योन जेट दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन दो हजार ये कम हड़के दिख रही है ना? ज्यादा वो फिके फिके दिख रहे दिख रही देख साम देखे क्लियर नहीं दिख रही है देख हरियाणा के हिसार के आसपास देखा था उन्होंने सही है पंद्रह बोल दिया वन पॉइंट फाइव पंद्रह बोल दिया 1.5 पॉइंट फाइव बेटा सॉरी पंद्रह तो कभी डलता ही नहीं है। हा अब आ जाओ हार्वेस्टिंग तो गेहूं की हार्वेस्टिंग कब कर कटाई के समय कितनी नमी होनी चाहिए मतलब कब करते हैं जब नमी हो जाए ना 25 से 30 परसेंट रह जाए तो ये मान लेना कटाई करने का टाइम अग्यारह पो, फसल कटाई कब करोगे जब गेहूं में नमी आ जाए 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, ओपज 40 से 50 क्विंटल तक चली जाती है भाई साहब अभी जो वेराइटीज है सब कुछ व्यवस्था अगर सही कर दोगे तो ये चली जाएगी 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ये ए लगना रह गया यहां से असिंचित अनइरिगेटेड में हो जाती है दस से पंद्रह क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेकिन यहां पर ए लगा लेना बेटा बुक वाले बच्चे टेक्निकली रह गए दाने और भूसे का अनुपात मेक्सिकन वीट में होता है एक अनुपात एक पॉइंट पांच यानी कि दाना जो होता है ना वो एक होता है भूसा जो होता है वो होता है में जबकि बाकी सब में क्या होता है एक अनुपात दो होता है रेशियो तो दाने का और भूसे का रेशियो क्या हो गया जो मेक्सिकन बोने के हुए वहां तो एक अनुपात एक पॉइंट पांच होता है बाकी सारी वेराइटी में होता है एक अनुपात दो उसके बाद आ गया भंडार नमी होनी चाहिए दस से बारह दस से बारह दस से बारह दस से बारह तो भैया मोटा मोटा तो पूरा हो ग्यारह बाप अब लेते हैं इसके मेजर इंसेक्ट एंड पेस्ट तो सबसे पहले शुरू करूंगा बाबा नानक की एक कहानी से जो है गेहूं का फिर हो गया तो गेहूं का एफिड गेहूं का एफिड का जूलॉजिकल थोड़ा बड़ा कर हल्का सा। जूलॉजिकल हो जाएगा मैक्रोसिपम मिस मैक्रोसिपम मैक्रोसिफम बोले तो वी टाइपिड वी टाइपिड मैक्रोसिपम मिस वी टाइपिड वी टाइपिड मैक्रोसिपम मिस इसका गण या ऑर्डर है रा हमेशा एमिपटेरा होता है एफिड तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो होता है इंसेक्ट होता है बेटा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है क्रॉप्स के अंदर इसलिए इसके तो आपको ये याद ही कर लेना चाहिए इसका ऑर्डर एमिपटेरा है फैमिली एफिडीडी है और ये एक हनी ड्यू करके निकालता है पदार्थ हनी ड्यू हनी ड्यू से फंजाई का अटैक हो जाता है बेटा काली काली फंजाई लग जाती है बाकी सकी इंसेक्ट होता है सरसों में तो यही कहानी है इसकी सरसों में तो यही कहानी हनी ड्यू निकालने का ये करने का ना ऐसे करता है इधर क्या करेगा इधर रस सूचने का काम तो इसका इधर भी है एफिड ये रहा एफिड अलग अलग आते हैं भाई खूब सारे नाम के एफिड आते हैं जैसे आपने लिपेपिस एरीसी में तो ये कौन सा है? ये लिपेपिस एरीसी में नहीं सरसों वाला नहीं अलग ही इसका नाम है मैक्रोसिपम मिस्केंती हाँ सकिंग इंसेक्ट होता है रस सूचना इसका धंधा है बचपन से राइट है तो रस कौन चूसता है एफिड का लार्वा भी चूसता एफिड का वयस्क भी चूसता एफिड का लारो भी रसू से और इसका वयस् दोनों ही क्या करते हैं पादप कोशिकाओं का विशेष रूप से बाली को तो बस चूस के खा जाते हैं खाजा चूस बड़े भी लगे पड़े छोटे भी लगे पड़े राइट हो गया देन बादली मौसम अगर बादल बादल हो गए ना या ठंड हो गई तो प्रकोप ज्यादा हो जाएगा कंट्रोल क्या करे कंट्रोल नहीं होता हो जाता है भाई डाइमिथोट से हो जाता है डाइमिथोट से गेहूं के अंदर है ना ये ला रहा चूस लेते रस चूस लेते पादप को इसका मतलब जहां भी दिखता है वही है ना चूस लेते राइट है <coughs> हो गया और ये कंट्रोल हो गया डाइमिथोट या रोग और तीस साढ़े सात सौ एम एल पर पांच सौ लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दो रे बापू आर्मी रो देना सेपरा गण लेपिडोपटरा फैमिली नोक टू डे या आर्मी वर्म आ गया आर्मी आ ये लो स्टिकी ट्रेप से भी करते हैं वो आए नहीं क्या स्टिकी ट्रेप वहां करते वो उसमें आएगा ये लो भाई साहब ये आपका मिथिमना सेपराटा कटुआ लट है मिथिमना आर्मी कट वार्म मिथिमिना वार्म रा, कटवार सेपराटा आर्मी वार्म लेपिडोपटेरा गण में आता है फैमिली होती है नोकटोडे रात्रि है भाई ये नोकट रात को निकलता है जब सारी दुनिया सोती है खचुआ लट बाहर निकलता अंधकार कायम है अंधेरा छाया हुआ है ना उस समय निकल के आता है मुलायम पत्तियों खाता है बाद में पहले तो मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बाद में खा जाता है पुरानी पत्तियों को कैटरपिलर का अवशिष्ट जो है ना गंदगी इस लार्वा के अवशिष्ट जो है ना पौधों पे मिलते हैं अगर पौधे पे किसी का अवशिष्ट टाइप का मिल रहा है ना तो मान के चलना कटवरम लग गई कटवरम लग गई मिथिमना सेपरेटा लग गया कटवरम लग गई मिथिमना या आर्मी वर्म लग गई राइट हो गया प्रभावित जो फसल है वो पूर्णतया पत्तिया वतिया गायब भाई मुलायम पत्तियों को पहले खाया फिर बाद में पुरानियों खाया क्या छोड़ेंगे भाई फिर क्या छोड़ेंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे ज्यादा प्रकोप हो गया तो पूरा का पूरा खेत का सूपड़ा हिस्सा ख़त्म दोबारा देखना भाई आप पढ़ रहे हैं सेनेकेट या कटवा मिथिमना सेपराटा मिथिमना सेपराटा मिथिमना सेपराटा इसका गण हो गया लेपिडोप्टेरा 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 फैमिली हो गई नोकटो इडी रात्रि में निकलते जब अंधकार रहता है तो अंधेरा होने के बाद में मिथिमना सेपराटा बाहर निकलता है कटवा लट बाहर निकलता है आर्मी बाहर निकलता है पहले नई पत्तियों खा गया पुरानियों खा गया छोड़ा क्या कुछ भी नहीं छोड़ा फिर स्टोर छोड़ा तो अवशीज छोड़ा अपनी अरे भाई वहां गंदगी छोड़ गया अपनी खुद की निकाल के पेट में से वो छोड़ गया पूरा सूपड़ा ही साफ फसल का और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई पशु खेत में चर गयों अगर ज्यादा ही इसका मिथिमना सेपरेटा का प्रकोप हो जाता है या कटवरम का तो पूरा खेत का सूपड़ा साफ कंट्रोल ये आपका खत्म करता है डाइक्लोरोस 85 एसएल एसएल बोले तो सोल्यूबल लिक्विड एट्टी फाइव बोले तो केमिकल की मात्रा आता पांच सौ लीटर पानी में गोल के इसका छिड़काव कर देते है आईर आई तीसरा इंसेक्ट आपके बीच है गुजिया विविल गुजिया 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 विविल ठीक है बेटा गुजिया विविल का नाम होता है टेनी मेकस इंडिकस गुजिया विविल गुजिया विविल टेनी मेकस इंडिकस माने गुजिया विल देखा दो दे, ये श्यामजे का भज नाम मन आ जाओ जाओ आज आज तो कौलियो गण में होता है फैमिली हो गई कुरकुलियोनिडी कुरकुलियोनिडे आ गया आज्ञा आज्ञा भाई आपका एक क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आ रहा मेरे को बीज साहित्य तने को ये कौन सी है समझ में नहीं यार बिटाई में लिख दो आप मुझे राइट इट इन इंग्लिश मैं समझ जाऊंगा साहित्य तना कैसे हुआ केवल वयस्क द्वारा पत्ती और मुला ये किसका आ गया कौन आया है देखो गुजिया विविल आई है गुजिया विविल आई टेनि मेकर्स इंडिकास आ चुका है कोलिपटेरा ऑर्डर का है और ये है हाँ? तो क्या करते हैं ये वयस जो है ना पत्तियों को मुलायम पर रोग खा जाती है मैं तो पत्तियां खाऊंगी नाम है मैं तो कोमल तने को भी गुजिया नाम है। और जैसे ही पौधा अंकुरित हुआ जमीन के पास से काट देगी इसलिए बार बार बुआई करनी पड़ती है मतलब हमने फसल बोई थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ अंकुरित पौधा निकला उसको तने से काटा फसल खत्म फिर फसल बोई उसके बाद फिर पौधा निकलना शुरू हुआ फिर फसल खत्म खत्म तो इसके लिए बार बार बोआई करनी पड़ती है ऐसी होती है तेरी गुजिया विविल गुजिया विविल ऐसा कीट है जो फसल को बार बार बोने के लिए मजबूर कर देता है और सबसे ज्यादा इसका प्रकोप होता है अक्टूबर नवंबर में। कंट्रोल है ना बाबा कार्बेरिल फाइव है ना कार्बेरिल फाइव है? है ना हो गया ये मुझे लग रहा है कोई पुराना रह गया कलाकार हो गया केवल फोकस ऑन द स्टडी दोस्त कोई है ना उसके ऊपर फोकस नहीं करना बोले होते पढ़ उसी बेटा पढ़या पढ़या उसी कुछ करें उसी अपने आप है ना लर्नर बागसी लोग हम्म हो गया कंट्रोल कराओ भाई कार्बेरिल डालो ना बाबा फाइव डे पच्चीस के जी डी बोले तो डस्ट पच्चीस बोले तो पच्चीस परसेंट केमिकल और डी बोले तो डस्ट और धूलिया हमेशा कितने डालते पच्चीस के जी पर एक्टेयर धोली 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 पच्चीस के जी पर एक्टेयर धोली धोली धोड़े में से कितने डालते डस्ट कितना डालते हैं पच्चीस के जी पर एक्टेयर लो भाई मैंने तो आ गया इंसेक्ट नंबर फोर टर्माइट ओडेंटोटर्मिस ओबेस टर्माइट दीमक होती है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस ओडेंटोटर्मिस ओबेस एक और होती बेटा है ना माइक्रो माइक्रोटर्मिस ओबेसी दीमक दीवड़ उदय उदय गण होता है इसका आइसोप्टेरा होती है टर्मेस्टिडी टर्मेसिडी सॉरी टर्मिटिडी टर्मिटिडी होती है डी होती है भाई ये दीमक तो जानते हो गे? दीमक तो हर बच्चे को नाम याद कर लेना है दोस्त क्या नाम होता है ओडेंटोटर्मिस ओडेंटो ओडेंटोटर्मिस ऑबेस और या फिर ये ज्यादा यही होता है बस ये ज्यादा लगती है तो कोई छोटी मोटी कभी कभी लगती होगी तो माइक्रोटर्मिस ओबेसी तो कम लगती है हो गया भाई अच्छा बीज सही था क्या कहते बीज सही तो बोल रहे हो क्या साहित्य आ रहा था पहले बीज सही तने हो क्या बोलते कल कलम तो खोखले तने होते हैं लेकिन हम्म चलिए क्लोरोपायरिफोस ले लेंगे अभी क्लोरोपायरीफोस ले क्लोरो लेंगे ले। लो भाई क्या करता है दिमाग क्या करती है जो नया नया पौधा निकलता है ना सीडलिंग निकलती है वहां से नुकसान करना शुरू करती है बेटा खतरनाक होती है तो जिस दिन पौधा उगता है वहां से नुकसान करना शुरू करती है दीमक और जिस दिन, जिस दिन दिन बेटा परिपक्व होता है तब तक दीमक पिंड छोड़ती नहीं है भाई मेरे को नहीं आता आपका ये टेक्निकल क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है कभी पढ़ा नहीं खूब पढ़ लिया मतलब हद से ज्यादा पढ़ लिया लेकिन ये दीप, तना तनासहित क्या कहते हैं आप बता दो बेटा आप बता दो है ना ताकि सबको फायदा हो जाए हो गया लो भाई पौधा सूख जाता है दीमक से जड़े कट जाती है ना भाई पौधा सूख जाता है खींचोगे तो यूं आराम से निकल के आ जाता है और ये बाद की अवस्था में हां बालियों को सफेद भी कर देती है दीमक तो दीमक तो इतनी डेंजर होती है कि जिस दिन उगाना उस दिन से नुकसान करना शुरू करेगी और जिस दिन पकेगा तब तक उसके पीछे पड़ी रहेगी पौधा सूख जाता है जड़े कट जाती है तो पौधा सूख जाएगा खींचने से आराम से निकल के आ जाएगा और बाद की ज्यादा लेटर स्टेज आती है ना इसकी खतरनाक वाली तब जाके तो ये बिल्कुल सफेद कर देगा बालियों को ही और इसका कंट्रोल है क्लोरो पायरीफो बीस ईसी बीस क्या है केमिकल की मात्रा ईसी क्या है इमलसी फाइबर कंसंट्रेशन कार्बनिक कीटनाशी सी जल में नहीं गुल्ल इसी का इसी का याद करा तो इसी क्या होती है कार्बनिक कीटनाशी जल में नहीं गुल्लती ईथर में 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 जाइलिन पेट्रोल है है ना इनमें ऑर्गेनिक इसके अंदर तो क्या करते फिर जिसमें गुलती है उसी में गोल देते बेटा जिसमें घुलती है उसी में घोल देते तेल में गुलती तेल में गोल देते है ना और आपका जाइलिन में गुलती है जाइलिन में गोल देते गोल के उसको पानी में डाल देते और पानी में डाल के थोड़ा इमल्सिफाइंग एजेंट मिला देते हैं उसको बोलते हैं इसी सोल्यूशन तो परसेंट बीस परसेंट केमिकल हो गया क्लोरोपाइरिफोज केमिकल का नाम हो गया 20% परसेंट केमिकल हो गया वो पानी के अंदर जो ना पेट्रोल डीजल में गुला हुआ है और उसका मात्रा कितने लेंगे चार एम पर हेक्टेयर चार एम पर केजी बीज से बीजोपचार कर देंगे इसे क्लोरोपाइरिफोज से, क्लोरो से बीजोपचार कर देंगे बाबा अगला आ गया गुलाबी तना छेदक बोले तो पिंक स्टेम बोरर सीसे मिया सी मिया, पिंक स्टेम बोरर सीसे मिया, सीसे मिया। पिंक स्टेम हो गया पिंक स्टेम बोरर पिंक कलर का आता है तने में घुस जाता है बोरर बोले तो छेद कर देता है तो सी से मिया सी से मिया इनफेरेंस पिंक स्टेम बोरर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है नोक छुईडी है भाई नोक ठीक है बेटा और जहां लोग अबे रुक जाए यार गेहूं और धान ज्यादा उगाते हैं जैसे इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न सिस्टम पैटर्न, सिस्टम पैटर्न पैटर्न। तो हमारे यहां धान गेहूं ज्यादा बोते धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं तो जहां धान गेहूं ज्यादा बोते ना वहां पर पिंक स्टेम बोरर बहुत खतरनाक तरीके से लगता है वहां पर पिंक स्टेम बोरर का आता आ रहा

और उसको बोल पड़ा, पड़ा दूसरे मोबाइल से मोबाइल से कनेक्ट कर इसे नहीं आ रहा था, नहीं था। वाई फाई नहीं आ रहा था हुँ? आ गया चल गया तो भारत में क्या है जहां गेहूं और धान बहुत बो, ज्यादा बोते हैं बेटा हाहाकार वहां पर मचा देता है ये हाहाकार फिर अटक गया चल गया ज्यादातर क्या करता है बेटा जो नए नए पौधे निकलते हैं उसके अंदर देखो क्या कर देता है यू? ये पूरे के पूरे तने को बीच में से खा जाता है जिससे डेड हार्ट हो जाता है या सफेद बालियां हो जाती है आ रहा आ रहा बेटा चल उसको बोल यार कल पे इसको बस आ रहा है चल रहा बेटा सही चल चल गया तो नहीं अब दोबारा देख लो एक बार पिंक स्टेम बोरर सीसीएम या इन्फेरेंस लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया नोक्टोडी होगी फैमिली और जहां पर गेहूं काट के धान धान काट के गेहूं गेहूं काट के धान धान काट के गेहूं करते हैं वहां पर ज्यादा नुकसान करता है राइट बेटा और ज्यादातर जो तो नए पौधे निकलते हैं उनको तो बहुत ज्यादा करता है बीच में से खा जाता है पूरा का बीच का बीच जाइल मैं उसको खा जाता है जिसको बोलते हैं डेड अट बाद में बालियां हो जाती है सफेद बालियां हो जाती है सफेद बालियां हो जाती है सफेद अगला आ गया आपका चने वाला अमेरिकन है ना इसको अमेरिकन पोर्ट बोरर कह दो चने में लगता है चने में लगता है टमाटर में लगता है कपास में लगता है आप इसको कहते हैं हेलीकोवरप्पा आर्मी जेरा हा कर दिया ना इसने तो अगला आ गया हेलीकॉवरप्पा आर्मी जेरा जिसको आप चने का फली वेदक करते हैं ग्राम पोड बोरर कहते हैं गण इसका लेपिडोपटेरा है फैमिली इसकी अबे रुक जाए यार चल वापस फैमिली होगी नॉक देख ज्यादा प्रकोप कहां पर होता है रुक रहा है यहां पर रह गया कपास के खेत के आसपास बीच में दब गए फैमिली तो क्या हो गई नोक टू ईडी और ये हो गया कपास के आसपास अगर आपका है ना हा तिरंगे जैसा कलर आता है कपास के खेत के आसपास देरी से बोईगी कपास के खेत के आसपास देरी से बोई गई फसल में प्रकोप इसका ज्यादा अमेरिकन फली वेदक जिसको आप ग्राम पोर्ट बोरर भी कहते हैं ये तो बहुत डिटेल पढ़ा होगा आपने बहुतों हो में लगता है तो जैसे पहले तो चने में लगता है चने की जो फली या पोर्ट होती है उसमें आधा घुसा रहता है आधा बाहर अटका रहता है चना करते भी टमाटर पर चला जाता है साउथ इंडिया में इस कपास पर लगता है अमेरिका में भी इसमें कपास में लगता है इसलिए वहाँ भी इसको कॉटन बोलवरम भी कहते हैं है ना बेटा और हमारे यहाँ चने में ज़्यादा लगता है चने टमाटर में राइट है कंट्रोल कंट्रोल एक तो टीपोल वन एल इसके साथ ले लेते हैं एनपीवी वायरस इसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका कंट्रोल कैसे करते हैं एक तो टीपोल लेते टीपोल तो इसलिए लेते था कि वो चिपक जाए केमिकल चिपकाने के लिए लेते भाई चिपक जाए वो पेड़ से चिपकाने के लिए लेते ये तो वायरस चिपक जाए वायरस चिपक जाए मुझे लग रहा आपके है आपके क्वेश्चनों में सर ये आप ऐसे ही पूछ रहे हैं आपने बताया नहीं कोई क्वेश्चन था उसका जवाब आपने दिया नहीं उसके बाद फिर आप लेके आ गए ऐसे नहीं बेटा डिस्टर्ब नहीं करना है आप अगर उसके बारे में जानते तो आपको बच्चों को बताना था उसको ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसको फिर आप इस तरह से कर रहे हो आप बेटा आपका नाम कितना अच्छा है आप कितने अच्छे लग रहे हो मेरे को है ना दिखने में फिर आप ऐसे ऐसे नहीं बेटा ये एनपी वायरस है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस हो गया कितना लेते हैं ये इसकी यूनिट हो गई वन पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर ट्वेल्व पीओबी लेते बेटा इसकी यूनिट आती है वायरस की एच ए क्या एच ए एच ए कहते हैं हेली कोवरपा हेली कोवरप्पा में जो वायरस लेते हैं उसको बोलते है एन पीवी हो गया तो टीपोल तो चिपकाने के लिए लेते हैं किसको चिपकाने के लिए वायरस को ताकि वो चिपक जाए और इसके लेते कौन सा वायरस है, है एच ए एनपीवी लेते हैं एच ए एन प्यू क्या हो गई हेलीकोवरपा न्यूक्लियर पोलियड्रोसिस वायरस हो गया कितना लेते हैं वन पॉइंट फाइव इंटू टेन जेस पावर ट्वेल्व लेते हैं प्रति एक्टर के हिसाब से बस प्रयोग करते हैं ठीक है अरे बेटा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप पूछ रहे हो ना ये पहले वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है और हमें आता तो आपसे क्यों पूछते इसका मतलब आप ऐसे ही पूछ रहे हो भाई जो दुनिया में क्वेश्चन ही नहीं है ये तो गलत बात है बेटा इसका मतलब आपका तो काम सिर्फ अजीब से क्वेश्चन पूछ के अगले को परेशान करना है है भाई जब क्यों आपको आता ही नहीं तो फिर क्यों थोड़ा तो आइडिया तो होता ना सर इस तरह से बोलते क्योंकि आप वाला पहला तो क्वेश्चन नहीं था ये वाला कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं है पहले वाला तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं ये वाला कोई बड़ा नहीं कोई बता देगा स्पाइकलेट किस किस में होता है वो आपको भी आता है ठीक भाई तो क्या ले लिया आपने आपने हेलीलूर या हेली एनपी वायरस रख दिया ठीक है बेटा आप लीकोवरप ये ले लेते हैं फिरमोन्ट देखो दो दोबारा देखना ये आने चाहिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनपीवी वायरस किसको कंट्रोल करता है यहां पर हम ले रहे हैं एच ए एनपीवी वर्ड क्यों आया हेली कोवरपा वर्ड क्यों आया क्योंकि हेलीकोवरप्पा को मार रहा है फलित क्षेत्र को मार रहा है एनपीवी का पूरा नाम क्या हो गया न्यूक्लियर पोलियड्रोसिस वायरस कितना लेते हैं एक पॉइंट पांच इंटू दस की गाथ बारह लेते हैं इसकी इकाई होती है पीओबी में आती है जैसे किलोग्राम होता है लीटर होता है पीटर होता है पीओबी में आते है वायरस हो गया भाई इसके साथ टीपोल क्यों मिला कि चिपक जाए फिरोमोन ट्रेप जानते हो फिर ट्रेप क्या होते हैं फिरमोन वो केमिकल होते हैं जो जनरली मादा फिर उन केमिकल्स को कहते हैं बेटा जो जनरली मादा नर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए मैथून के लिए कॉपुलेशन के अट्रैक्ट करने के लिए अपने शरीर से बाहर निकालती है और उसकी खुशबू से नर उसकी ओर अट्रेक्ट होकर आ जाता है भाई सामने दिख नहीं रहा यार <coughs> और मुझे दिख जाएगा भाई रुक जाएगा तो तू ऐसे क्यों कर रहा है बार बार डिस्टर्ब हो रहा सही है सही <coughs> तो तो था पहले रुकेगा मुझे दिखेगा सही ना सामने होगा तो हो गया तो फिरमोन किसे कहते हैं बेटा हाँ मेल को फीमेल अपनी तरफ बुलाने के लिए एक केमिकल निकालती है बाहर की ओर जिसकी खुशबू से मेल उसकी ओर आ जाता है ठीक है और ऐसे ही करते हैं अब ऐसा एक देखो हेलीलोर सबके अपने अपने फिरोमोन है वैज्ञानिकों ने वैसा का भाई मादा तो निकालती है नर को अट्रैक्ट करने के लिए मादा नर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए निकालती है वो कहलाते हैं फिरमोन और फिरमोन है ना बेटा फिरोमोन अगर वैज्ञानिक बनाते हैं ना केमिकली कृत्रिम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फिरोमोन ट्रैप फिरमोन ट्रैप भाई हद्दी होगी तगड़ा कर दिया भाई मजे कर दिया बेटा क्या होगा इस दुनिया का यार तगड़े हैं लोग गुलाब का क्वेश्चन बताओ उनको बेटा क्यों नहीं समझ रहे आप क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पे लगे हो यार क्यों बावले हो रहे हो इस दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता हारे पड़े हैं सब इनके आगे इनको पता नहीं कितना भयंकर इंपोर्टेंट वाला टॉपिक चल रहा है उसको गुलाब चाहिए जय हो भगवान प्रभु आपको सतबुद्धि दे बेटा फिरोमोन क्या होता है बॉडी से बाहर निकलने वाला हार्मोन जिसकी वजह से नट होके आ जाती है वैज्ञानिकों ने वैसा का वैसा बना दिया तो फंसाने का तरीका हो गया नर कीटों को अपनी ओर बुला के मारने का तरीका हो गया तो उसका नाम क्या हो गया फिरोमोन ट्रेप लेते कौन से हेलीलूर हेलीलूर फिर लूर, हेली लूर क्यों नाम निकाला इसका क्योंकि हेली कोवरप्पा को अट्रैक्ट करता है हेली तो हेली कोवरप्पा के लिए हेलीलूर ले लिया कितना लेते हैं कितना लेते हैं बारह लगाते हैं भाई बारह प्रति हेक्टेयर लगाते हैं पक्षियों के बसेरे लगा दो खेत के अंदर खूब सारे ऐसे बसेरे लगा दो जहां पक्षी आके बैठेंगे बैठेंगे तो उसकी लटों को खा जाएंगे बेटा लटों को खा जाएंगे या फिर डाइक्लोवास छत्तीस डब्ल्यू एस ये भी नहीं ये वो नहीं बेटा ये बच्चे तो सही है लेकिन इनको पता नहीं सिस्टम का ये कमांडर वाले नहीं है कोई से बच्चे तो बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन इनको पता नहीं किस समय क्या पूछना चाहिए क्या चल रहा है क्या पूछना चाहिए इनको ये पता नहीं बोले बच्चे हैं कमांडर नहीं है कमांडर दूसरे होते हैं ये तो अच्छे हैं बच्चे तो लेकिन उनको पता नहीं है कि अभी क्या पूछना चाहिए या कैसे जवाब देंगे अपने क्वेश्चन का ये सर इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के मेरे क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे पहली बात है दूसरी बात को क्वेश्चन भी अपना कोई है कि नहीं डोले होते हैं इनको कोई कह दे ना भाई ये क्वेश्चन है बस वही मान लेते हैं वही क्वेश्चन है है हाँ ना बेटा ऐसे सीधे होते हैं बच्चे कुछ बहुत सीधे होते हैं हम्म ये भला बुरा ही नहीं समझते ज्यादा अब लेते हैं अगली अगला इंसेक्ट आ गया अगला इंसेक्ट नहीं बेटा ये माइट है इंसेक्ट नहीं ये माइट है इसको कहते हैं गेहूं की बुरी माइट ब्राउन व्हीट माइट ठीक है बेटा ये हां भूरी माइट है पेट्रोबिया लेटेंस पेट्रोबिया लेटेंस का नाम है माइट माइट बरूथी बरूथी कहते हैं भाई इसको बरूथी 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 माइट पेट्रोबिया लेटेंस इसका गण होता है एकेरिना कुल होती है टेट्रा माइट 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 तो यार रुक जा रहा, रहा ये भी इसके मुखा ये देखो माइट माइट बेटा इसके मुखांग होते चूसने वाले चूसने वाले मुखांग होते इनके प्रकोप से पत्तियां क्या हो जाती है कलरलेस पूरा रस सूस जाते रंग उड़ जाता है पत्तियों का और पत्तियों पर चांदी जैसे दबे दिखाई देते हैं देखो रे चांदी जैसे दबे दे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अटैक से पत्तियों पर चांदी जैसे दबे पड़ जाते हैं उसका नाम है माइट 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 उसका नाम है बूरी माइट ब्राउन माइट एक ही गढ़ में आती है टेटर फैमिली में आती है पत्तियां जाती है इसकी रंगीन और चांदी जैसे धब्बे से, से पड़ जाएंगे कोई कंट्रोल आपकी नजर में हो हाँ है ना इमिडाक्लोप्रिड या कॉन्फिडोर हंड्रेड एम पर हेक्टर का छिड़काव हो गया आठवा इंसेक्ट आ गया इंसेक्ट नंबर दैट इज स्टोरेज भंडारण में लगने वाला खपरा बीटल ट्रोगोडरमा ग्रेनेरियम ये देखो खपरा बीटल है ट्रोगोडरमा ग्रेनेरियम इसका ये नुकसान नहीं करता ये तो अडल्ट उसका वयस के नुकसान नहीं करता इसकी जो लार्वा अवस्था आती है लार्वा वो नुकसान करती है ये अनाज में लगते हैं आप दोबारा ध्यान देना ये खेत में नहीं लगता है ये खपरा बीटल है ये भंडारण का कीट है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि खपरा बीटल है भंडारण का कीट स्टोरेज पेस्ट इसका नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है ये कोलियोप्टेरा गण में आता है कोलियोप्टेरा गण में आता है इसका कुल है डरमेस्टेडे कोलेप्टेरा गण में आता है कुल इसका डरमेस्टिडी लार्वा ही नुकसान करता है राइट right? लार्वा ही इसका नुकसान करता है और भंडारण का सबसे मेजर इंसेक्ट बेटा ये भी दो आते हैं एक तो छोटी इली बड़ी इली ये भी नहीं सॉरी एक तो ये हो गया एक तो खपरा बीटल यहां तक पूरा हो गया बेटा और भी लगते हैं भंडारण में और भी लगते जैसे छोटी इली लगती है जिसका नाम है राइजो डोमिनिका है ना भाई राइजोप्रता डोमिनिका एक आटे की इली भी लगती है गेहूं के अंदर फ्लोर कैटरबिलर उसका नाम है ट्राइबोलियम केस्टेनिकम ट्राइबोलियम केस्टेनिकम तो कंट्रोल कर ले इसका आया समझ में तीन कीट एक साथ बता दिए खपरा बीटल राइजोप्रता जिसको आप कह रहे हैं ड्रोगोड्रमा ग्रेनेरियम राइजोप्रता डोमिनिका और ट्राइबोलियम केस्टेनिकम हो गया ये आपका इंसेक्ट आ गया कंट्रोल कैसे करोगे सेल्फोश एल्यूमिनियम फास्फाइड एक गोली तीन ग्राम की आती है आपको तीन गोली लेनी है एक टन के लिए दोबारा देखना क्या लोगे सेल्फोस एल्यूमिनियम फास्फाइड को सेल्फोस कहते हैं और तीन गोली प्रति टन लेते बेटा एक टन अनाज के लिए तीन गोली लेते हैं और एक गोली का वजन आता है तीन ग्राम इसका मतलब कितना हो गया नो नो ग्राम प्रति ग्राम प्रति टन समझ में आ रहा है कि भाई सेल्फोस सेल्फोस मारेगी भंडारण कीट सेल्फोस एल्यूमिनियम फास्फाइड सेल्फोस सेल्फोस तीन गोली प्रति टन तीन गोली प्रति टन राइट भाई भाई धन्यवाद चूहा मारूंगा मैं तो मैं तो उंदर मारा ला मैं तो चूहा न मारा ला चूहा चूहे भी तो लगते है भाई फसल के अंदर तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड ले लो दो परसेंट चोर्ण कैसे बनाओगे सैंतालीस बाघ आटा ले लो दो बाघ तेल ले लो उसके अंदर ये दो परसेंट चोड़ मिला दो ये बेट बन जाएगा विशो प्रलोभक बन जाएगा और हर बिल के आगे रख दो छह ग्राम हर बिल के आगे चूहे के जितने बिल आते हैं उनके आगे छह ग्राम रख दो तो जिंक फास्ट फाइड दो परसेंट उसके अंदर ये और मिला दो सैतालीस बाघ आटा दो बाघ तेल फिर ये पूरा बेट बन जाएगा जहरीला पॉइजन बेट हो जाएगा और एक बिल में छ छे ग्राम रखते जाओ या फिर ब्रोमेडियल ले लो आजकल ब्रोमेडियोलोन भी डाल देते जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच परसेंट प्रति बिल तो इंसेक्ट है रेट है माइट है सारी की सारी पूरी, हो गिरा बापो गिरा बापो गिरा, हो गया हो गई पूरी अब लेते सबसे जबरदस्त वाला टॉपिक ट इज मेजर डिजीजेस मेजर डिजीजेस मेजर डिजीजेस कौन कौन सी बीमारियां लगती है तो सबसे खतरनाक है रौली रोड़ी या हिंदी में कहते हैं रतुआ भी कहते हैं किट भी कहते हैं गेरुई भी कहते हैं रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में भाई भाई कैसे इसमें तो रोली। भारतीय रोली ये होती है रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं जंग तो जंग लगती है एक तरह से है ना जंग लग जाती जैसे लोहे को जंग लगती है ना बेटा वैसे डब्बे दिखाए थे पश्चूल दिखाए थे पश्चूल बोलते हैं अंग्रेजी में पश्चूल राइट है रोलिया रस्ट अब ये रोलियां जो आती है ना बेटा दो तीन आती है लेकिन पहले अपन जनरल बात जानकारी लेंगे फिर एक एक रोली को लेंगे सबसे पहले इसके जनक किसको माना जाता है तो फादर ऑफ इंडियन रस्ट यह है के सी जी मुझे नहीं पता कहां रहता जी बट फादर ऑफ इंडियन रस्ट इज के सी जी के सी जी भारतीय रौली के जनक के सी के सी मेहताजे के सी केसी, केसी मेहताजे बहुत अच्छा क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन रस्ट के सी जी किदर ये रहता जी आई डोंट नो वेर इट इज वेर जी बट है केसी मेहता जी। राइट right है और रोली के लिए ना रोली गेहूं के अलावा भी कुछ पौधों पे लगती है मतलब गेहूं के अलावा भी इसका जो कवक है पक्सीनिया जो फंजाई है वो महोनिया पर शरण लेता है तो महोनिया इसका क्या हो गया अल्टरनेट होस्ट बर्बेरी पे लेता है एग्रोपायरोन पे लेता है रेफेनस घासों पर भी शरण लेता है हो गया तो महोनिया पर बरबेरी पर एग्रो पर रेफेनस घासों पर इन सब पर हां इन सब पर शरण शरण लेता है ठीक है बेटा अब एक एक रोली को लेते हैं एक एक रोली को लेते हैं मुझको पहली रोली बताओ सबसे खतरनाक रोली बताता हूं आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं इंडिया की सबसे खतरनाक बूरी इसका नाम है पक्सिनिया रिकोंडिटा से पक्सिनिया रिकोंडिटा से रिकोंड तो बूरी रोली इसको पत्ती रोली भी कहते हैं बेटा बूरी रोली पत्ती वाली रोली है इंडिया में तो यही खतरनाक है सबसे बूरी रोली सबसे खतरनाक होती है और ये लगती किससे है ये लगती है पक्सिनिया रिकोंडिटा याद कैसे करते हैं कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं ऐसे करते हैं कि यहां पर ना थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूं आपको बुरी कौंडटा बुरी कौंडटा ऐसे याद कर देते जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया इसके आगे लगा दिया मैंने भू भू बू। तो बुरी कौंडट है भूरी कौंडट है भूरी कौंडट है, है अब कोई भूल नहीं सकता इसको इसका मतलब बुरी रोली किससे लगती है कंफ्यूज खत्म हो गया ना वो लगती है पक्सिनिया रिकोंडिटा से हमारे यहां ना मारवाड़ी में बोलते हैं भाई बुरी अब नहीं रुकेगी बुरी तो ननियाल जावली बुरी तो मामा का जावली कोंडट है कोंडट है कौंडट ऐसे याद करते हैं तो पक्सीनिया रिकोन्डिटा याद हो जाता है भाई भूरी रोली किससे लगेगी पक्सीनिया रिकोंडिटा से याद कैसे किया बुरी कोंडट है भूरी है बुरी तो मामा के जावली बुरी तो जावेली बुरी कोंडटा, तो बुरी कोंडिटा यानी कि बुरी रिकोंडिटा से लगती है ऐसे याद करते हैं। हो गया भाई ये आई नहीं था इसके अंदर रुक जा रुक जा। तो पक्सीनिया रिकोंडिटा पक्का याद हो गया भाई ये इंडिया में सबसे खतरनाक तरीके से लगती है मतलब पूछो ही मत अगर ये आ जाए ना बेटा कि भारत में सबसे ज्यादा लगने वाली या सबसे खतरनाक रोली कौन सी है तो भूरी रोली काली नहीं करती इतना नुकसान इंडिया में तो जब काली आती है ना रोली तब तक तो गेहूं की फसल ही कट जाती है काली माता लेट आती है तब तक तो हमारी फसल कट जाया करती है तो सबसे ज्यादा आतंक कौन सी मचाती है सबसे ज़्यादा आतंक मचाती है बूढ़ी बूरी 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 तो सबसे हानिकारक कौन होती है बूढ़ी रोली और अगेती भी ज़्यादा लगती है ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा हानिकारक रोली है बूरी काली नहीं रे बाबा बूरी रे बाबा बूरी 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 बोरी क्योंकि जब काली माता आती है तब तक तो गेहूं कट ही चुका होता है लेट आती हो वो मार्च अप्रैल तक आता तब तक तो गेहूं कट जाता है ये पहले आ जाती है ये मारती खतरना ये रही है खतरनाक ये रे बूरी रोली बूढ़ी रोली का दूसरा नाम क्या होता है लीप्रस्ट क्योंकि पत्तियों पर लगती ज्यादा ज्यादा पत्ती लगने को सब पे लगती है तने पर भी लगती है लेकिन पत्तियों पे ज्यादा प्रकोप होता है इसका तो मुख्यतः तो कहा लगेगी पत्ती की ऊपरी सतह पर नारंगी रंग से लेके नारंगी बुरे रंग के पश्चूल बढ़ते हैं पश्चूल मतलब थोड़े उभरे उभरे से निकले हुए से लगते हैं उनको बोलते हैं पश्चूल राइट वो पश्चूल या जो दबे से होते हैं ना इस तरह के ये बुरे बुरे देखो आप इनके अंदर भरे होते हैं इसके यूरेडोस्फोर यूरेडो स्पोर ओके बेटा अरे बेटा बोला आदमी है भाई बोला आदमी बेटा सीधा है ऐसे नहीं करते यहां पर कि कहां के कितने बच्चे हैं कहां के कितने बच्चे हैं बेटा ऐसे मत कर भाई है ना फूलपुर के कितने एर, मेरे ननिहाल कितने ऐसे मत कर बेटा फोकस ऑन द स्टडी तो देखो क्या हो गया समझ में आए इसका नाम ही क्या बेटा दूसरा है, लीफ रस्ट है, ना पत्ती वाली रोली होता क्या है पत्तियों की ऊपरी सतह पे सबसे पहले नारंगी ऑरेंज कलर से लेके ऑरेंज ब्राउन कलर के पश्चूल बन जाएंगे उभरे उभरे धब्बे बन जाएंगे उनके अंदर कवक की बरी होती है यूरिडोस्पोर अवस्था अवस्था भरी होती है ठीक है इसका एकांतर प्रपोस होता है सबसे इंपोर्टेंट होती है बेटा और ये गेहूं के अलावा किस पे शरण लेती है कवक पे 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 ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कौन सी अवस्था पर आती है यह क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया किसकी अवस्था पूछ रहा है भाई बेटा किसकी अवस्था पूछ रहा है हम्म हो गया नियंत्रण कोई वैरायटी जिन पे नहीं लगती है एक तो पीबी सेवनटीन पे नहीं लगती है पीबीडब्ल्यू थ्री फोर थ्री पे नहीं लगती है पीबी फाइव फाइव जीरो पे नहीं लगती है और अगर आप नाइट्रोजन सही दे रहे हो ना बेटा ज्यादा नहीं दे रहे हो तो भी इसका प्रकोप कम हो जाता है इसका नुकसान कम हो जाता है बेटा जिनेब इसके कंट्रोल के लिए जिनेब लेते दो पॉइंट पांच के जी पर हेक्टेयर जिन्हें मुझे लग रहा है बूढ़ी रोली के सारे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं भूरी रोली पक्सीन या रिकोन्डिटा से लगती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूरी कोंडिटा बूरी कोंडिटा इसे याद कर लेते हैं उसको पत्तियों पर भी लगती है पत्तियों पर सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है इसको लीफ रस्ट भी कहते हैं भूरी वाली को इंडिया में सबसे खतरनाक यही होती है राजस्थान में पीली ज़्यादा नुकसान करती है लेकिन इंडिया में यही करती है अगेती फसल ज़्यादा करती है पत्तियों की सतह पर क्या होता है नारंगी रंग से लेकर नारंगी बूरे रंग के पश्चूल्स बढ़ जाते हैं जिनमें यूरिडोफोर कवक रहती है और ये गेहूं के अलावा थेलीट्रम पादप पर भी लगती है लेकिन कुछ जातियों बिल्कुल नहीं लगती पी बी डब्ल्यू सत्रह पे नहीं लगती PBW, कुछ किस्मों पे नहीं लगती पीबी डब्ल्यू तीन सौ तेलीस पे पाँच सौ पचास पे और नाइट्रोजन अगर आपने सही दिया है तो भी इसका प्रकोप कम हो जाता है और जिनेब ढाई ग्राम ढाई के जी पर हाँ ढाई के जी है पर ना तो ढाई के जी पर एक्टर का आप छिड़काव भी कर सकते हो अब आ गई काली थारा तीन नाम जो काली रोली आती है ना ब्लैक रस्ट, दूसरा नाम होता है स्टेम तो कई कंट्रीज में खतरनाक नुकसान करती, करती है किलर डिजीज भी कहते हैं किलर 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 एग्जाम में तो किलर वर्ड भी आ सकता है किलर काली रोली का दूसरा नाम है किलर डिजीज किलर डिजीज किलर डिजीज और बाकी तो इसको तने में ज्यादा प्रकोप होता है याद करने का तो तरीका किससे लगती है ये, ये तीन नाम आते हैं इसमें पक्सीनियाई तो याद कैसे करते हैं काली थारा तीन नाम पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिस काली थारा तीन नाम पक्सिनिया ग्रेमिन काली थारा तीन नाम पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिस हो गया बेटा इसका UG99. एक वंश है यूजी नाइन एक जेनस आता यूजी नाइन इसको युगांडा में सबसे पहले देखा गया था एक जीनस और आता है जैसे आपका जीनस का पक्षी है ना ऐसे करके भी इसका जीनस आता है और वो सबसे पहले देखा गया था युगांडा 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 युगांडा, युगांडा। तने पर ज्यादा प्रकोप करती है स्टेम पर इसलिए नाम क्या है इसका स्टेम स्टेमरेस्ट तो तने पर ज्यादा प्रकोप करती है बाकी तो तने पर पत्तियों पर सभी पर करती है स्पाइक्स पर क्या करती है फ्लेक्स बनाती है और फ्लेक्स बाद में बढ़ जाते हैं बुरे लाल रंग के दबों में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इसका एकांतर है बारबेरिस अल्टरनेट होस्ट इसका बारबेरिस बारबेरिस अल्टरनेट होस्ट ये भाई काली रोली है इंडिया में कम लगती है लेकिन ये खतरनाक होती है जहां पर लगती है इंडिया में कम क्यों लगती है इंडिया में कम क्यों लगती है क्योंकि इसका अटैक जब आता है ना बेटा प्रकोप आता है उस समय तक गेहूं की फसल पक चुकी होती है इसलिए इसका नुकसान नहीं होता है इसका तीन काली थारा तीन नाम काली के तीन नाम है काली माता थारा तीन नाम ग्रेमिनिस पक, ग्रेमिनिज पक्सिन या आई बुरी कोंडट वो ऐसे हो गया राइट रहा यू जी युगांडा में इसका ये जीनस देखा गया था तने पर ज्यादा लगती है बाकी तो सब पर ही पहले फ्लेक्स बनते हैं बाद में लाल बुरे धब्बे बन जाते नेटवर्क इस भाई नहीं आ रहा है अब करते हैं कंट्रोल तो कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें नहीं लगती है एक तो लरमा रोजों में नहीं लगती है सफेद लरमा में नहीं लगती है सोनालिका में नहीं लगती है चोटिल में भी नहीं लगती है हाँ इंडिया में हार्वेस्टिंग हो जाती है तो इंडिया में ज्यादा नुकसान नहीं करती है या फिर मैंगोजेब टू ग्राम पर लीटर का गोल बढ़ा के छिड़काव कर देते हैं कर देते हैं हो गया अब आ जाओ पीली रोली येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट तो जब दो रोली याद होगी ना तो इसका तो वैसे भी कंफ्यूज वाला काम तो खत्म ही कर दिया मैंने भाई काली थारा तीन नाम पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई का हो गया फिर बूरी का क्या हो गया कोंडिटा, यानी कि पक्सीनिया रिकोंडिटा, पक्सीनिया रिकोंडिटा, हो गया अब पीली याद कर लेंगे जब दो कंफ्यूज तो खत्म हो गया आगे तीसरी बच्चे की अपने आप में बचे क्यों और वो आगे आपकी पक्सीन या स्ट्राइफॉर्मिस या राजस्थान में ये ज्यादा नुकसान करती है राजस्थान में पीली वाली इंडिया में भूरी चलती है राजस्थान में पीली चलती है राइट है दाना बनने से पहले इसका प्रकोप हो जाता है ये रही आपकी पीली रोली पीली का नाम स्ट्राइप रस्ट क्यों पड़ा है क्योंकि इसमें देखो धारियां बनती है लंबी लंबी जो पश्चूल्स आते हैं उनकी धारियां बनती है बनती है

प्रश्न है वैसे भी याद हो जाता है ये तन्नारोली से ज्यादा खतरनाक है काली से यह ज्यादा खतरनाक है काली से ज्यादा खतरनाक पीली है और सबसे खतरनाक बुरी है फिर इसमें पत्तियों पर है ना पर्ण शीत पर ग्लूम्स पर जो ऊपर तुस निकलते ना तुस बाली के अंदर ग्लूम्स उस पर पीली दारियां पड़ जाएगी पत्तियों पीली दारियां पड़ जाएगी पत्ती की जो सतह है उस पर पड़ जाएगी नींबू जैसे रंग के पीले पीले यूरोडो स्पोर दिखाई देते हैं तीन नंबर रस्ट क्लियर पक्की नाम ही क्या है पीली और दारियां पड़ी रही स्ट्राइप्स पड़ रही है तो फॉरमिस तना रोली से ज्यादा खतरनाक होती है पत्तियों पर पर्ण शीत पर ग्लूम्स पर क्या पड़ जाती है पीली पीली दारियां पड़ जाती है और दारियों में कौन रहते हैं यूरेडो बिजाणो जो पीले रंग के आते हैं इसका एकांतर प्रपोष ही मतलब ये गेहूं के अलावा किस पर रहती है ये अभी तक ज्ञात ही नहीं है अज्ञात है ठंडा मौसम प्रकोप ज्यादा नमी है तो फिर तो पूछो ही मत और ज्यादा प्रकोप हो जाएगा और फरवरी में तो बिल्कुल ही खतरनाक प्रकोप हो जाता है इसका पीली का कोई किस्में आपकी नजर में हो जिनमें नहीं लगती है, है ना बाबा एक तो लरमा रोजो में पीली रोली नहीं सफेद लरमा में पीली रोली नहीं सोनालिका में पीली रोली नहीं चोटिल चोटिल पीली रोली नहीं बस तो पीली रोली भी पूरी हो गिरा बापो कुछ बैठ रहा समझ में बैठ रहा है तीन दो रस्ट अच्छे से याद होगी थैंक यू बेटा हो बहुत अच्छे बच्चे हो अच्छा करने वाले हो अब आ जाओ लूज स्मर्ट अच्छा को जी दो ग्राम पर लीटर का छिड़काव कर देते हो गया स्मार्ट लोज स्मार्ट लोज यह है अष्टी लागो नामक फिंजाई से होता है बास्ते नहीं रे बाबा अष्टी रे बास्ते लागो नहीं रे बाबा अस्टी लागो ट्रेटी ये इंटरनली सीड बोर्न है बेटा इसका कवक है वो सीड के फंजाई जो है ना सीड के अंदर रहती है वहीं से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ठीक है बेटा तो अस्टी लागो ट्रेटी ये इंटरनल सीड बोर्न है मतलब इसकी फंजाई जो रहती है ना वो वैसे भी अंदर रहती है आपको बताऊं देखो इसकी कहानी क्या है इसकी कहानी है कि भैया इसका नाम ही क्या लूज इसकी जो हाँ जो दाणे होते हैं ना दाणे 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 दाने दाणे हाँ सेम ही आ जाएगी तो जो दाणे होते हैं उसमें काली काली कवक बढ़ जाती है है ना बेटा और वो ऊपर की जिल्ली फट जाती है दाने के ऊपर की और उसका जो काला ब्लैक जो हाँ ब्लैक जो पाउडर सा होता है ना फंजाई होती है पाउडर के अंदर वो दूसरी फंजाई उसमें कवक में ना अटैक कर देगी दोबारा सुनना जो लूज स्मट होती है या अनावरत कंडवा होती है अनावरत का मतलब जिसके ऊपर आवरण नहीं होता है वो क्या करती है उसके दाणों में काला काला पाउडर सा कवक फंजाई बढ़ जाती है फिर थोड़े दिनों बाद में वो ऊपर से जिल्ली टूटी दाने की और वो अंदर का पाउडर काला जो फंजाई वो फैल जाएगा हवा के द्वारा और दूसरे अटैक नेटवर्क होगा जबकि जो आवर्त कंड आएगा ना इसका उल्टा आएगा कवर्ड में जिल्ली तब तक नहीं फटेगी जब तक आप उसको खलिहान में ना ले जाओ खड़ा में खलिहान जानते हो ना हार्वेस्टिंग जो थ्रेसिंग करते हैं थ्रेसर में या फिर जो है ना उसमें फूटेगी वो फिर जाके इन्फेक्शन होगा उसका अनावरत कंडवा और आवरत कंडवा में क्या फर्क है बताओ देखिए वाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूज इसमट एंड कवर्ड इसमेंट लूज इसमट में लूज इसमट में क्या होगा गेहूं के दाने जो है ना जिसके अंदर फंजाई भर गई काली काली वो फट जाएगी अपने आप ही उसके बाद वो फंगस ना दूसरे फसल में या दूसरे फसल के पौधों में इन्फेक्शन कर देगी कवर्ड स्मट में क्या होगा अपने आप नहीं फटेगी जब आप थ्रेसर में चला रहे हो उसको या फिर उसका जो है ना खेत में आप उसके डंडे मार रहे हो गेहूं को निकालने के लिए या फिर अपन कई बार जो है ना हल चला के उसके ऊपर सॉरी बैल चला के बैल चला के या ट्रैक्टर चला के कई बार नहीं करते खेत में तो जब वो आप प्रेसराइज करोगे ना उसको तभी फटेगी वो फिर आ, जाके दूसरे सीड में लग जाएगी वो तो अपने आप फटे तो लूज स्मार्ट और अगर खेत या खलियान में ले जाने के बाद खड़ा खड़ा फटे खलियान जानते हो खड़ो मारवाड़ी में खड़ा वहां पर फटती है मशीन की वजह से या जानबूझ के हम हमारी वजह से फटती है तब कहलाती है वो आवरत या कवर्ड स्मट ठीक है बेटा आ गया हाथ थ्रेसर के टाइम फटेगी फटेगी वो तो हम ही फटेंगे उसको बेचारे को भाई दाणों में बाद में फटेगी वो जब हम थ्रेसर चलाएंगे तो टूट टूट फट जाएगी टूट टूट के ऑटोमेटिक अपने आप नहीं फटेगी वो ऑटोमेटिक ही फट गई तब तो वो लूज स्मट है अनावरत होगी फिर तो अनावरत कंडवा है और अगर बाद में हमने तोड़ा तब टूटी तो आवरत कंडवा है ये फर्क है दोनों में देखो बेटा क्या क्या होता है इसके अंदर एक तो ये आ गई है देखो आप गौर से देखो इसके दाणों में क्या भर गए देखो आप जहां पर गेहूं का है ना मिल्किंग स्टेज में दूध बन के और स्टेज में है ना अंदर आटा टाइप में बनना चाहिए वहां पर फंजाई भरी पड़ी है फंजाई वहां पर है भरी पड़ी है गौर से देखिए आप इसको दिख गया रोगी पौधों में समझ में आ गई से होता है सीड है क्योंकि कवक रह रही है। बीज के अंदर बीज के अंदर राइट रोगी पौधों में जो बालियां होती है ना बालियां वो स्वस्थ मतलब छोट छोटी छोटी बालियां बनेगी पहली बात तो बाली छोटी दो तीन दिन, दिन पहले ही निकल के आ जाएगी हर दाने में काला काला चूरण भरा रहेगा और थोड़े दिन और चांदी जैसी ऊपर झिल्ली आ जाएगी देखो आप झिल्ली और देखो इनके ऊपर

मैं थोड़ी कह रहा हूं देखो देखो रोगी पौधों में बालियां पहले आ जाएगी छोटी आ जाएगी और पूरा का पूरा स्मिट बिजाणु पड़ जाएगा केवल रेकिस को छोड़ के ये जो रेकिस आता है ना इसके ऊपर आप ये जो बीच वाला जो बगे जिसके ऊपर ये बाली दाने लगते हैं इसको बोलते हैं रेकिस, रेकिस 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 या रेचिस इसको छोड़ के बाकी पूरी में काली कवक बढ़ जाएगी चांदी जैसी जिल्ली आ जाएगी एक दिन ये जिल्ली फट जाएगी है ना और रेकिस जो है ना अकेली रह जाएगी बस एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ऐसी हो जाएगी कि बोली रेकिस रहेगी बाकी सब उड़ जाएगा पूरा पाउडर उड़ जाएगा इनका समझ में आ गया क्या आ, आ गया देखो रोगी पौधों में बालियां जो स्वस्थ होते हैं स्वस्थ पौधों से छोटी आती है रोगी में छोटी आती है दो तीन दिन पहले आ जाती है प्रभावित पुष्परम में जो रेकिस है, रेकिस रेकिस समझ में आ रहा है रेकेस जैसे ये आपकी बाली है इसके ऊपर ये लगे हुए दाणे दाणे इसके ऊपर लगे हुए हैं तो ये जो है ना ये जिसके ऊपर दाणे लगे हुए हैं ये कहलाती है रेकिस इसको क्या बोलेंगे आप रेकिस या रेचिस आर ए सी एच आई एस रेकिस इसके अलावा पूरी में स्मट बीजाणु बढ़ जाएंगे पूरी में रोगाणु रोगाणु या बीजाणु बढ़ जाएंगे कवक बढ़ जाएगी बेटा प्रारंभ में क्या रहेगी ये ये चांदी जैसी जिल्ली से ढकी हुई रहेगी लेकिन बाद में जिल्ली फट जाएगी और दाने केवल रेकिस रहेगी बाकी पूरा का पूरा बिखर जाएगा नहीं आ गया क्लियर कंट्रोल एक तो विटावेक्स डालते भैया विटावेक्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्मेलिंग व कुलका स्मेलिंग व कुलका स्मेलिंग व कुलका स्मेलिंग व कुलका दो ग्राम पर केजी की दर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विटाविक्स वाज डिस्कवर्ड बाई स्मेलिंग एंड कुल्का स्मेलिंग एंड कुलका कितना लेते हैं दो ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार कर देंगे से बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है है काम आती है, वेरी मोस्ट है इसमें या फिर बीजों का सौर उपचार कर देते हैं बीजों को जो है ना गर्मी से धूप लगा देते हैं इससे भी मर जाते हैं या फिर गर्म पानी वाला ट्रीटमेंट देते हैं जो लुथारा और सुथार ने दिया था लुथारा और सुथार ने दिया था इसमें करते क्या है चौवन डिग्री सेंटीग्रेड वाला गर्म पानी लेके ग्यारह मिनट तक बीजों को उसमें रख देते हैं चौवन डिग्री 54 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी और 11 मिनट गेहूं के बीजों को रख दो दिस इज योर हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया किसने था लुथारा और सुथार ने। आ गया भाई चलिए मुझे लग रहा है यह भी मैं समझाने में कामयाब रहा हूं यह कौन सा स्मट था लूज स्मट कवर्ड स्मट क्या होता है ज्यादा जो में लगता है दोनों में लगते वैसे तो ये दोनों लेकिन वो जो में ज्यादा लगता है वाला। अब आ गई करनाल बंट करनाल बंट को गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। करनाल बंट है, करनाल गेहूं का कैंसर करनाल बंट सबसे पहले मित्रा नाम के एक वैज्ञानिक ने 1930 में इसको करनाल में देखा था करनाल बंट को गेहूं का कैंसर भी कहते हैं करनाल बंट को सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा ने देखा था मित्रा 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 मित्र इधर आ मित्रा नहीं नहीं मित्रा 1930 मित्रा ने देखा था करनाल बंटको ठीक है बेटा होता क्या है किससे होता है पहले तो ये बता दू आपको अभी पे भी वापस आते हैं ये निवोसिया इंडिका या उसका दूसरा नाम होता है हाँ टिलेसिया इंडिका दोनों याद करना भाई दोनों याद कर चौवन पे क्या खराब होगा चौवन पे नहीं होंगे बेटा कभी खराब चौवन पे क्या खराब होंगे अड़तालीस डिग्री तो अपने धूप का तापमान किया जाता है अड़तालीस डिग्री सेंटीग्रेड पचास डिग्री सेंटीग्रेड तो अपने गर्मियों में वैसे ही टेम्परेचर चला जाता है गर्मी इतनी तो अपने वैसे ही पड़ती है तो उसमें तो वैसे ही सुखा रहे हैं तो सिर्फ ग्यारह मिनट तो रख रहे हैं चौवन पे नहीं होगा खराब नहीं होगा बेटा वो तो कोई सोसे ऊपर तो मर जाता समझ रहे हो तो टिलेसिया इंडिका भी याद करना है निवोसिया इंडिका भी याद करना है ओए करनाल बंट ओए करनाल बंट टिलेसिया इंडिका निवोसिया इंडिका ओए करनाल बंट निवोसिया इंडिका टिलेसिया इंडिका ओए करनाल बंट निवोसिया इंडिका टिलेसिया इंडिका इसकी वजह से गेहूं निर्यात पर पाबंदी है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकती करनाल बंट का इतना ही इसका रोगाणु भी बीज में ही रहता है जैसे अभी लूज का रह रहा था और ग्रसित बालियां जिसमें लग गया ना बेटा वो सड़ी मछली जैसी गंध मारती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो आप ये भी सीड बोर्न है जो बालियां इससे इन्फेक्टेड होती है ग्रसित होती है उनमें ट्राई मिथाइल एमाइन के कारण ट्राई मिथाइल एमाइन के कारण वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भैया ट्राई मिथाइल एमाइन के कारण सड़ी मछली हुई जैसी गंध आती है ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण सड़ी मछली जैसी गंध आवे ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण सड़ी मछली जैसी गंध आवे वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट एक बार फिर से देखना मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं करनाल बंटा है इसको गेहूं का कैंसर भी कहते हैं 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा जी ने इसको देखा हो गया उसके बाद ये कोथी किस फंजाइ से है तो टिलेसिया इंडिका कहते हैं आप उसको चाहे उसको निवोस या इंडिका कह दो गेहूं इसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रहा बेचारा भाई गेहूं की भी इच्छा होती है मैं यूरोप टूर करके आओ अमेरिका घूम के आओ उधर के लोग मुझे ना देखे तो जाड़ नहीं सकता ना इसकी वजह से सीड बोर्न डिजीज है इसका मतलब फंजाई कहा रहेगी सीड के अंदर जिस बाली में लगती है वो सड़ी मछली जैसी बदबू मारती है जिस बाली में लग गया करनाल बन जिस पौधे में लग गया उसकी बाली ना बहुत बुरी सड़ान मारती है और वो सड़ाद मारने का कारण क्या है ट्राई मिथाइल एमाइन कंट्रोल कैसे करते हैं सेरेसान सेरेसान सेरे ढाई ग्राम पर केजी बीज की दर से बीजोपचार करके हो गया अब आ जाओ गेहूं का चौथी बीमारी आ गई भाई चौथे चौथे चौथी नंबर की बीमारी आगे भाई इसका नाम है गेहूं का मोटे मोटे से बीमारी आ गई यही मोटी मोटी बेटा अब तो जनरल है कोई गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ये भी लगता है इसके अंदर ब्लू मेरिया ग्रेमिनी स्टेटिस आए ब्लू मेरिया ग्रेमिनी स्ट्रेटिस आए गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू देखो सफेद सफेद बालियां पाउडरी मिल्ड्यू लग गया पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वेट ये उससे नहीं लगता उधर तो ईरी पोलिगोनी आती थी इधर पोरी सीपी पोलिगोनी नहीं आती है इधर आती है ब्लूमेरिया मेरिया ब्लूमेरिया ब्लू शुरुआत में क्या दिखता है पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडरी धब्बे दिखते हैं शुरुआत में क्या दिखते हैं बेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडरी धब्बे बाद में काले हो जाते हूं बाद में जाते हैं काले पत्तियों और अन्य भाग को भी सुखा देते है इतना ही बस कंट्रोल वंट्रोल की जरूरत नहीं इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो एक तो ब्लूमेरिया पाउडरी नाम है तो पाउडर सा पदार्थ जाता है पत्तियों की सतह पर सफेद सफेद पाउडर जैसे जाते हैं बाद में काले हो जाते हो बाद में काले हो है, जाते हैं पत्तियां सूख जाती है बस अगला आ गया ठोंडो झुंझो झुंझो झुंझु ठोंडो एक जीवाणु एक सूत्र कर्मी दोनों मिल कर रहे हाँ सल्फर भी लेते हैं भाई सही कह रहे हो आप सल्फर भी लेते हैं लेकिन इधर जरूरत नहीं है ना इतना कोई है ना इतना इसका प्रकोप नहीं इसमें एक जीवाणु एक सूत्र कर्मी दोनों मिल कर रहते <coughs> इसका तो पूरा सोंग है एक जीवाणु एक निमेटोड़ या सूत्रकर्मी दोनों मिल कर रहते चुंडो 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 दोनों मिलकर करते एक जीवाणु क्लेवेक्ट ट्रिटिसाई एक निमेटोड एंगविना ट्रिटिसाई दोनों मिलकर रहते हैं चुंडो चुंडो येलो ईयर दोनों मिलकर करते टुंडू <coughs> आइए टूडू रे मारी बीस परसेंट नमक गोल रे चुंडू ये मारी बीस परसेंट नमक गोल ये आया एक जीवाणु एंगविनट ओ क्लेव बैक्ट्रीम है ना बेटा या कोरिनी बैक्ट्रीम ट्रीटी भी कहते हैं एक एंग्विना और दोनों मिलकर रहते चुंडू चुंडू येलो ईयर रोड दोनों मिलकर करते एक जीवाणु एक सूत्र कर में दोनों मिलकर रहते हैं झूंझो झूणो ये लो ईयर रोट दोनों मिलकर करते आया मैनु समझ में आया तो बस मैं तो बहुत हर्ष आया पहले परणशिराओं के समानांतर पत्तियों की जो सिराये होती है ना धारिया मतलब है ना स्पर्ण सिराए <coughs> उनके समानांतर पीले क्या बनेगा पीली और सफेद धारिया बन जाएगी जैसे पत्तियां है ना बेसिक वैसी, वैसी पीली या सफेद सफेद धारिया बनाएगा टू के अंदर बा गोंद जैसा पदार्थ निकलेगा चिपचिपा बस यही टुंडू है दोबारा देखना यह है गेहूं की पत्ते ये इसकी धारियां आ गई इसी के समानांतर क्या बन जाएंगे पीली और सफेद धारियां बन जाएगी जैसे ये पीली है तो यहां पीली धारियां बन गई ऐसे और सफेद धारिया बन जाएगी ये टू है और पीला पीला लिक्विड निकलेगा बाद में पीला पीला गोंद पीला पीला गोंद सा निकलेगा बाद में चिपचिपा रंग चिपचिपा ये इसकी मेन पहचान होती है तो एक सूत्र कर्मी दोनों मिलकर रहते हैं चुंडू टुंडू येलो ईयर रोट दोनों मिलकर करते हैं पहले सिरों के समानांतर पीली सफेदारिया बांटती है बादम में पीड़ा पीड़ा बालियों से गोंद निकल के चिप चिपा सा लगता कंट्रोल एक तो क्रॉप रोटेशन एक ये टुंडोर मारा बीस परसेंट नमें गॉलर है कौन कमेंट्स हो गया भाई चलो बेटा कोकल या गेंगला या सेहो ये बेटा एंग्विना ट्रेडिसाई नामक निमेटोड से ही होता हो गया आगे बेटा गया तो ये अगर कभी आ जाए ना टुंडू तो टुंडू में दो आएंगे बेटा एंग्विना ट्रिटिसाई आपका निमेटोड हो गया और बैक्टीरिया हो जाएगा क्लेवी बैक्ट्री ट्रेटिसाई या कोरोनी बैक्टेर ट्रीटिसाई लेकिन अगर ईयर कोकल आता है या गेगला सेवू आता है तो सिर्फ एंग्विना ट्रिटिसाई नामक ना निमेटोड से ही होता है पौधे इसमें कर पौधे लेते जूरीदार पौधे कैसे हो जाएंगे बोने जूरीदार मुड़ी हुई पत्तियां हो जाती विचारों की राइट बालियों में दानों की बजाय बढ़ जाते इसके सीडगार निमेटोड की ना निमेटोड ही निमेटोड हो जाती है कह सकते हो आप सीडगार बन जाते हैं बीजों के अंदर निमेटोड रह जाता है तो ये हो गया आपका ईयर कॉकर पौधे बोने रह गए जुरिदार रह गए मुड़ी पत्तियां रह गई बालियों में दानों की जगह कोकल भर गया कोकल या सीड गाल, कंट्रोल करो ना भाई तो ये भी वही आ जाएगा ये भी वही आ, आ जाएगा सेम टू सेम ईयर कोकल टुंडू दोनों में बीस परसेंट नमक के गोल से बीजों का उपचार कर देते हैं तैरने वाले बीजों को अलग निकाल देते हैं तैरने वाले बीजों को अलग निकाल देते हैं या फिर कार्बोफिरोन फिरोडोन थ्री जी लेते पंद्रह से बीस किलोग्राम प्रति एक्टर की दर से और बुआई से पहले इसका प्रयोग कर देते है मोल्या 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 मोल्याट्रोडेरा एवी एवीनी मोल्या मोल्या मोल ये देखो Z 2021 का क्वेश्चन है कि सिस्ट लिमिटोड किसे कहते हैं हेट्रोडेरा आपकी बुक में पहले सफेद क्वेश्चन पूरे पूरे आते जा रहे हैं तो हेट्रोडेरा एविनी गढ़ होता इसका किडा। होती है इसका टाइलिंग किड़ा हेट्रोडेरी और मौल्या को याद कैसे करते हैं मौल्या मोल्या रोल्या मोल्या 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 हेट्रोडेरा मोल्या मौल्या रे हेट्रोडेरा एविनी मोल्या रे हेटोडेरेविनिस होता है सिस भी कहते हैं इसको और इसको देखा गया था सबसे पहले नीम का थाना सिक्कर में नीम का थाना सिक्कर में देखा गया था उन्नीस के अंदर और देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था वासुदेवा वासुदेवा वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले मूल्या देखा किसने तो मोल्या सबसे पहले देखा था भैया नीम का थाना सिक्कर में पूरे इंडिया में नीम का थाना सिक्कर में देखा गया था वासुदेवा के द्वारा देखा गया था 1958 में देखा गया था वासुदेवा के द्वारा ठीक है बेटा हो गया ये रहा। मोल्या को नाम मोल्या क्यों बेटा एक्चुअली राजस्थान में मोल्या बंदर को बोलते बेटा मंकी को बोलते इसके जो तो लक्षण होते हैं लक्षण वो पूरे खेत में एक साथ नहीं आते हैं वो जैसे कहीं बीच बीच में ना पौधे छोटे रह गए चकते पड़ गए कहीं ठीक है कहीं छोटे रह गए कहीं बोने हैं कहीं छोटे रह गए जैसे कोई बंदर करता है नुकसान कि कहीं उसने फसल को गिरा दिया कहीं छोड़ दिया कहीं गिरा दिया है ना ऐसे बंदर वाली तरह आता है मतलब पूरे खेत में एक साथ नहीं आता ये धब्बों में आता है जैसे इतनी दूर में पौधे पीले पड़ गए छोटे रह गए इतनी दूर में पीले पड़ गए छोटे रह गए उधर रह गया उधर पीले पड़ गए छोटे रह गए तो जैसे कोई बंदर ने उत्पात मचाया हो ना अरे बंदर की तरह बेटा पौधे गिरते नहीं इसमें भाई बंदर ने कोई तोड़े वैसे गिरे नहीं है केवल पीले पड़ जाते हैं जगह जगह से जगह जगह से पीले पड़ जाते हैं जगह जगह चकते पड़ जाते हैं खेत के अंदर खेत के अंदर खेत के अंदर जैसे मान लो इतनी दूर के पीले पड़ गए इतनी दूर के पौधे पीले पड़ गए फिर बाकी ठीक है फिर आगे जाके इतनी दूर के पीले पड़ गए ऐसे होता है है ना बेटा इसलिए बंदर का नुकसान की जैसे कोई बंदर ने किया हो ना ऐसे नुकसान होता है जैसे इसका नाम ही मौल्या निकाल दिया गया और राजस्थान के सिक्कर जिले में सबसे पहले इसको नीमका थाना में देखा गया था नाइनटीन के अंदर वासुदेवा के द्वारा हो गया पौधे इसके अंदर बोने रह जाते हैं सिकुड़े हुए रह जाते हैं पौधे जड़ों में निमेटोड जो है ना सखाए कर देता है है ना और उपज कम हो जाती है कभी-कभी तो अंकुरण भी नहीं होने देता तेरा हेट्रोडेरा, एवीन्यू कंट्रोल तो कंट्रोल के लिए कुछ तो रोधी किस्म आती है राइट एक तो राज एमआर1 राज एमआर1 राज एमआर1 राज एमआर1 कार्बोफिर पैतालीस कार्बोन की जी पर एक्टर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं तो मूल्या एक काम या फिर कार्बोफ के जी पर एक्टर के हिसाब से आप खेत में प्रयोग कर दो मर जाएगा तेरा निमिटोड तो वेराइटी कौन सी आ गई जो इससे प्रतिरोधी है राज एम आर वन एक आई उसके बाद फिर कोई केमिकल बताओ कार्बोफिरोन कार्बोफिरन को मारने लिए, कार्बो पे, के लिए कार्बोफिरोन लेते हैं फिरोडोन 45 के जी पर एक्टर के हिसाब से बस सारे रोग तो पूरे हो गए बापो कभी कभी गेहूं में पाला भी लगता है तो आज बचाएंगे फ्रॉम पाला मतलब पाले से बचाएंगे फ्रोस्ट से बचाएंगे फ्रोस्ट तो पाला पड़ने की अगर संभावना लगे ना बेटा तो जीरो पॉइंट एक परसेंट के तेजाब का कर दो छिड़काव एच फोर का कर दो छिड़काव और गेहूं कर दो पूरा गेहूं हो गया आज पूरा तो सबसे बड़ी फसल नंबर दो हम पूरी कर चुके दान के बाद ये दूसरे नंबर पे है और बड़ी फसल है बेटा मेजर क्रॉप है इसको हमने लाइन टू लाइन पूरा किया है वर्ड टू वर्ड पूरा किया है अच्छा ये जरूर देखना बेटा गंद का अम्ल हमेशा जीरो पॉइंट एक परसेंट रखते हैं हर एग्जाम में लगभग दो तीन एग्जाम छोड़ के हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जीरो पॉइंट वन परसेंट एसट्रोसोपोर जीरो पॉइंट वन परसेंट एसट्रोसोपोर इस पॉइंट वन को अच्छा याद कर लेना तो हम लोगों ने ना बेहतरीन तरीके से पूरे गेहूं को निपटा डाला है चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आईसीआर कर रहे हैं चाहे सुपरवाइजरी कर रहे हैं चाहे पी कर रहे हैं सब जगह काम में आएगा इसके बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है राइट right है बहुत कम संभावना कोई बाहर चला जाए बाकी तो पूरा डिटेल ले लिया है कोशिश कि आप सभी को समझ में आ जाए और मुझे लग रहा है आपने एंजॉय किया है थोड़ी ही देर में वापस आ रहा हूं सात मिनट बाद में साढ़े नौ बजे से हम लोग शुरू करेंगे एनिमल हस्बेंड्री तब तक, तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद फतेह खुदा एग्रीकल्चर राम राम में है शानदार केरियर और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन फैसला आप करें राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की आठवीं रैंक और सामान्य वर्ग की साठवी रैंक राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से आठ विद्यार्थी टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की तिरसठ परसेंट सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा जहां नब्बे प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं बारहवीं के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानी मचा रहे धूम बारहवीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर यस शर्मा ने तीन चौरानवे नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साठ लाख रूपए की स्कॉलरशिप कक्षा बारह के परिणाम में सत्तानवे या अधिक एक विद्यार्थी प्रतिशत तीन विद्यार्थी, चौरान सात विद्यार्थी तिरानवे प्रतिशत अधिक ग्यारह विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत या अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सौ प्रतिशत लाने वाले दो विद्यार्थी निन्यानवे प्रतिशत या ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार्थी सत्तानबे प्रतिशत अधिक लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक लाने वाले एक सौ तिरसठ विद्यार्थी दसवीं से बारहवीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की उनचालीस परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धि रिंकू यादव ने की 37 परसेंट की वृद्धि नरेश पाटीदार ने 36 परसेंट की वृद्धि प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी आई सुपरवाइजर 11 ट्वे क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध ग्यारहवीं बारहवीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर Z बी एच यू की क्लासेज उपलब्ध राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेई राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर जेट बीएचयू राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर आल अकेडमिक क्लासेस राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक साथ ही विजिट करें डब्ल्यू डब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर नाइन थ्री वन फोर वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो नाइन डबल जीरो वन डबल जीरो वन थ्री वन फोर